अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट निज़ाम सामटिया। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं अमेज़न के बारे में। अमेज़न पाकिस्तान में आ गया है। सुनोगा आप लोगों ने, इस तरह के अमेज़न की मार्केट प्लेस पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि अमेज़न का सेलर अकाउंट बनाने की परमिशन दे दी है पाकिस्तान में। अमेज़न ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में डाल दिया है। पहले इस तरह होता था कि हम पाकिस्तान में बैठ के अमेज़न का सेलर अकाउंट नहीं बना सकते होते। अमेज़न के दो अकाउंट बना सकते हैं, एक बायर अकाउंट होता है, एक सेलर अकाउंट होता है। बायर अकाउंट से हम चीज़ें सिर्फ खरीद सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान से बैठकर चीज़ें खरीदें तो वो हमें महंगी पड़ जाती है, क्योंकि शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जब हम सेलर अकाउंट हमारा बन जाएगा, लेकिन अगर मार्केट की प्लेस आ जाती तो फिर हम पाकिस्तान में बैठकर चीज़ें खरीद भी सकते हैं। पाकिस्तान में बैठकर अमेज़न का सेलर अकाउंट बना सकते हैं, अमेज़न के ऊपर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। वो चाहे हम किसी भी कंट्री से सोर्सिंग करवाएं, चाहे हम चाइना से लें, या हम अपने ब्रांड बनाकर उनकी रजिस्ट्री करवाकर अमेज़न के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हम घर बैठे किस तरह अमेज़न के ऊपर पैसे कमा सकते हैं। इसके आप लोगों का मैं मुख्तलिफ चीज़ें बताऊँ। एक तो यह है कि अगर आप प्रॉपर कोर्स करना चाह रहे हैं तो आप BBC पे अप्लाई करें, वीडियो बूट कैंप। उसके लिए आप लोग जो है BBC.com वेबसाइट है समझ लेगी, उसमें जाकर अप्लाई करें, उसमें अपना डाटा दें, आपको लगेंगे। उसमें अप्लाई करने के बाद आपको एक वीडियो बूट कैंप की सूरत में एक कोर्स मिल जाएगा। उसमें उस कोर्स के अंदर आपको वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, अमेज़न सब के कोर्सेज फ्री में होंगे। आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। उसके अलावा आप YouTube के ऊपर भी सीख सकते हैं। इसके पैसे कमाने के आपको इस तरह एक आपको पहले वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करना पड़ेगा। जब आप वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर लेंगे, उसके बाद आप अपना बिज़नेस भी स्टेबल कर सकते हैं। अगर आप अपना बिज़नेस ना करना चाहें तो आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज आती हैं वर्चुअल असिस्टेंट की, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके घर बैठे आने जाने कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 2012 में कराची में अमेज़न का वेयर हाउस था। पाकिस्तानियों की दो नंबरी की वजह से अमेज़न पाकिस्तान से अपना सारा बोरिया बिस्तर समेट के चली गई थी। तो आप मेहरबानी करें, वैसे चीज़ दिखाई और बेची, और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर दराज का बिज़नेस भी फ्लॉप हो चुका है। तो हमें एक कौम बनकर एक अच्छे से ईमानदारी के साथ बिज़नेस करना चाहिए, ताकि उनके ऊपर भी, उनके आगे भी हम पाकिस्तानी का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े, वो भी पाकिस्तान के अंदर मार्केट प्लेस लेके आए और मज़ीद यहाँ पे सक्सेस प्रोवाइड करें और लोगों को ऑनलाइन अर्निंग के मौके फराहम हों। तो दो नंबरी नहीं करनी, ईमानदारी से काम करना है। और तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। देखते रहिए मेरा चैनल। स्टे ट्यून, स्टे सेफ। अल्लाह। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।